नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज 1 जुलाई 2019 है। इसका यह मतलब है कि नीट 2019 का 15% ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन अलॉटमेंट रिजल्ट आज अवेलेबल हो जाएगा। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट कितने बजे अवेलेबल होगा और कहाँ पर आपको डाउनलोड करना है। सबसे पहले हम वेबसाइट देख लेते हैं, mcc.nic.in या medicalcounselingnic.in। जिस वेबसाइट में आपने रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किया था उसी वेबसाइट पर राउंड वन अलॉटमेंट रिजल्ट अवेलेबल होगा। रिजल्ट कहाँ पर अवेलेबल होगा वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाउनलोड का एक सेक्शन है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। अभी सिर्फ सीट मैट्रिक्स यहाँ पर अवेलेबल है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट रिलीज़ होगा राउंड वन के, यहाँ पर सीट मैट्रिक्स के नीचे या ऊपर न्यू करके एक और बटन आएगा, राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट 2019। आपको बस उस पर क्लिक कर देना है और PDF के फॉर्मेट में पूरा राउंड वन का अलॉटमेंट लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। आप उसमें चेक कर पाओगे कि आपके रैंक के हिसाब से, आपके जो भी ऑल इंडिया रैंक है उसके हिसाब से आपका राउंड वन में कहां पर अलॉट हुआ है और अलॉट हुआ है या नहीं आपको पता चल जाएगा। टाइमिंग के बारे में बात करें तो MCC के वर्किंग आवर अप टू 5 PM है, तो 5 PM से पहले राउंड वन का अलॉटमेंट रिजल्ट अवेलेबल हो जाना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ डिले हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन जैसे भी अवेलेबल होगा मैं आपको एक वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके अलावा काउंसलिंग शेड्यूल में आपने देख लिया होगा नए शेड्यूल अवेलेबल हुए हैं, उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग करना है। उसके हिसाब से अगर आपका राउंड वन में अगर आपका कोई अलॉटमेंट हुआ है कोई कॉलेज पर, तो आपको रिपोर्टिंग करना होगा विद इन 3 to 4 days। तो यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल भी एक बार देख लेते हैं। काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से राउंड वन का रिपोर्टिंग आपको 1 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में करना है। ध्यान रखिए, अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो 6 जुलाई से पहले कॉलेज जाइए और रिपोर्टिंग करवा लीजिए और आपका एडमिशन फिक्स हो जाएगा। अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हो तो राउंड वन में फ्री एग्ज़िट है, उसमें कोई इशू नहीं है। राउंड टू में पेनल्टी है, लेकिन राउंड वन फ्री रहेगा। तो इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करना था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।